पीछे से एक बाघिन माँ अपने बच्चों को जंगल में रहने के लिए ट्रेंड करती है और कैसे जंगल के नियम और कायदे और अपनी टेरिटरी अपने इलाके के बारे में कैसे उसे वह ट्रेंड करती है, कैसे सिखाती है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रणथंभौर को बाघों का शहर कहा जाता है। रणथंभौर की यह एक बाघिन T-124 रिद्धि के नाम से फेमस है और इस समय इस बाघिन के 3 शावक हैं जो कि लगभग 1 वर्ष की आयु हो चुकी है। रणथंभौर की इस बाघिन की उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष है और यह बाघिन दूसरी बार मां बनी है। इस बाघिन ने दूसरी बार में 3 शावकों को जन्म दिया जो कि लगभग 1 वर्ष के हो चुके हैं। रणथंभौर की इस डोमिनेंट फीमेल टाइगर को लेडी ऑफ लेक भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देख रहे हैं, रणथंभौर की यह फेमस बाघिन अपने 3 बच्चों को जंगल में कैसे रखा जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे दूसरे एनिमलों से या जो खतरनाक हो सकते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से अपना इलाका है या कौन कौन सी अपनी टेरिटरी है उसके बारे में ट्रेंड कर रही है। यह बाघिन अभी कैसे पानी पी रही है, जैसे पानी पी रही है उससे उसकी नजरें देखो कहां पर है, तो ये बच्चे उससे सीख रहे हैं कि जंगल में कैसे पानी पिया जाता है और कैसे पानी में रहने वाले जो जानवर है मोस्टली क्रोकोडाइल मगरमच्छ से कैसे बचा जा सकता है, जहां कम पानी हो वहां पीना चाहिए। टाइग्रेस रिद्धि जो जोगी महल के आसपास पदंग लेक के आसपास जो इलाका है वह इन बच्चों को दिखा रही है और वहां अपनी टेरिटरी कायम रख रही है और यह अपने बच्चों के साथ कैसा दुलार कर रही है, कभी इसे अपनी जीभ से चाट रही है और कभी अपने पंजों से इनका दुलार कर रही है और ये शावक भी कभी अपनी माँ के ऊपर इधर से उधर हटकेलिया कर रहे हैं और कभी अपनी माँ का यह दूध पी रहे हैं और ये सारा दृश्य देखकर रणथंभौर में आने वाले सारे पर्यटक कितने रोमांचक होते हैं यह आप सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी तीनों शावक आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यह कितने दिन तक साथ रहेंगे अभी किसी को पता नहीं है। और इस बाघिन रिद्धि ने एक बार फिर दोबारा इतिहास दोहराया है, इसकी दादी की तरह, इसकी नानी की तरह, इसकी माँ की तरह यह एक बार टेरिटरी कायम कर और बच्चों को दुलार कर यह सीन आपने 2016 और 15 में भी देखा होगा। एक बाघिन माँ लगभग अपने शावकों को 2 से 2.5 साल तक अपने पास रखती है, उसके बाद में सारे शावक अलग अलग हो जाते हैं और अपनी अलग अलग टेरिटरी बना लेते हैं। यही इस प्रकार जाकर इनको साथ में रखकर अपनी टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं और कैसे टेरिटरी को पहचानते हैं, कैसे सूंघकर टेरिटरी अपनी टेरिटरी कायम रखते हैं, उससे यह आइडिया होता है कि दूसरा टाइगर तो अपनी टेरिटरी में नहीं आ गया। और जंगल का रूल है जो ताकतवर है वही राज करेगा। तो ये जो प्यार और ये जो अभी आप जो इनकी हटकेलियां देख रहे हैं यह आप 2 से 3 साल के बाद में नहीं देख पाएंगे। फिर इतिहास में एक बार दोबारा इनके टेरिटरी के लिए फाइट हो सकती है,
तो कौन इस पे राज करेगा अभी किसी को नहीं पता। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक बाघिन एक शेरनी कैसे अपने बच्चे अपने शावकों को तैयार करती है शिकार करने के लिए टेरिटरी बनाने के लिए और दूसरे हमलावरों से बचने के लिए कैसे उनको ट्रेंड किया जाता है यह आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। और बच्चे माँ के सारे गुण उससे सीख रहे हैं कि कैसे जंगल में रहा जाता है और कैसे दूसरे हमलावरों से बचा जाता है। धीरे धीरे ये शावक अब अपनी टेरिटरी और अपना इलाका बनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो होते जा रहे हैं और इस और रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। और रणथंभौर विश्व का एक ऐसा पार्क है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर सेटिंग होती है। यहां पर 50% से 80% तक टाइगर सेटिंग होती है। और ऐसे ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वीडियो आप हमारे चैनल में देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज आपने इस वीडियो में देखा कि एक बाघिन माँ ने कैसे अपने बच्चों को तौर तरीके टेरिटरी कैसे शिकार करते हैं सारे गुणसूत्र धीरे धीरे बताती जा रही है और ऐसे ही जंगल का राजा तैयार होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।